पहली तो बात ये है कि जब बच्चा स्कूल में आता है, ये कोई फ़र्ज़ी बात नहीं मैं कर रहा, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं वालदैन को ये साबित करूँ और मैं दिल से ये काम करता हूँ कि ये बच्चा आपका नहीं, हमारा बच्चा है। मेरे अपने बच्चे मेरे स्कूल में पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किसी और स्कूल में जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। मोस्टली प्रिंसिपल्स, मोस्टली टीचर्स के बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में तमाम बच्चे, तमाम मतलब टीचर्स के बच्चे मेरे अपने बच्चे मेरे अपने स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि वो बच्चे उन वालदैन के बच्चे नहीं होते, वो बच्चे हमारे बच्चे होते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं सफाई के मौज़ू पर बात करूँ तो अभी रिसेंटली हमारा एक सेशन हुआ जिसमें हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया कि हमारे बच्चे स्कूल के अंदर, तो जो मैंने पहले भी एक दो दफ़ा डिस्कस हुआ बताया कि हमारे बच्चे स्कूल में तो सफाई का इतना अच्छा एहतमाम करते हैं कि कभी भी वो कोई रैपर कोई चीज़ खाने के बाद नीचे नहीं फेंकते, हर लिहाज से वो, उन्हें हमने बताया है कि सफाई निस्फ ईमान है। सरवर कायनात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया, हमें उन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें यूरोप ने ले ली हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम उन चीज़ों को ज़रूर अपने मुल्क के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने स्कूल के और अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं। हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अवेयर है कि सफाई निस्फ ईमान है और वो इस पर अमल करता है। हमने उन्हें सिखाया है, हमारे टीचर्स, हमारे कारी साहब, हमारी कारिया, तमाम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में मुतारफ करवा चुके हैं और अवेयर है हमारा बच्चा। मेरे ख्याल के मुताबिक हर स्कूल की हर क्लास के अंदर बोर्ड का टॉपर बैठा हुआ है, आई एम डैम श्योर। मतलब अगर कोई कहे कि ये चांस होता है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, नो 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 नो, हर स्कूल की हर क्लास के अंदर जो है वो एक टॉपर बच्चा बैठा होता है। अगर उसको वो फैकल्टी मिले, वो एटमॉस्फेयर मिले, उस तरह की उसको ट्रेनिंग्स मिले, उस तरीके से उसको मोटिवेट किया जाए, उस तरीके का इन्वायरमेंट उसको दिया जाए, वो बच्चा बोर्ड टॉप करने की सलाहियत रखता है। हम कई सालों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब डेफिनेटली एक सफ़र होता है कि आदमी पहला गोल अचीव करता है, फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, हर साल 10-5 नंबर हम ऊपर जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फायज़ा बीबी ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की हमारी, मतलब हमें पता चला। और बोर्ड के हवाले से मैं बात करूँगा, यकीन करें कि मज़ा आ गया। फेडरल बोर्ड के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी दो नंबरी नहीं। उसकी वजह, मैं आई वॉज़ इन UK, मैं वहाँ था, मुझे कॉल आई स्टाफ की तरफ से कि आपकी पोजीशन है, मुझे नहीं पता कौन बोर्ड क्या, मैं तो बोर्ड के ऑफिस जाते ही बहुत कम हूँ। तो यकीन करें इंसाफ होता है, और जहाँ पे इंसाफ होता है ना मेरे पाकिस्तान में, मुझे नज़र आता है कि मेरा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो वहाँ पे फायज़ा बीबी के साथ, बाकी बच्चों के साथ इंसाफ हुआ, पहली पोजीशन हासिल की। अल्लाह करे फेडरल बोर्ड को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए अल्लाह ताला, और ऐसे ही पॉजिटिवली काम करने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी काम करे ना आदमी, चाहे वो स्टडी है, बिजनेस है, लाइफ का कोई भी पहलू है, उसके अंदर हर्डल ज़रूर आती हैं, उन हर्डल से घबराना नहीं चाहिए। मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक आदमी कहे कि मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सरवर कायनात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी प्रॉब्लम्स आई, हर कदम पर आई। अच्छा काम कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे, लोगों का दर्द था, कौम का, इस मुसलमानों का दर्द उनके दिल में था, वो कर रहे थे। अब बात ये कि आप काम, आप एक मुश्किल मजाजी से काम करते रहें तो दुनिया का कोई टारगेट ऐसा नहीं है जो इंसान अचीव ना कर सके जी। मैं बच्चों की जो ट्रेनिंग्स करता हूँ, वैसे तो मैं बच्चों की ट्रेनिंग ज़िंदगी के हर पहलू पे कर रहा होता हूँ, हम टीचर्स की जो ट्रेनिंग करते हैं हर पहलू पे कर रहे होते हैं कि स्कूल ही नहीं बल्कि वो अपनी लाइफ में कामयाब हों, हर लिहाज से कामयाब हों, उनको कभी भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। लेकिन बच्चों के हवाले से मैं बच्चों को जब भी ट्रेनिंग्स करता हूँ तो उन्हें बताता हूँ, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, जस्ट यहाँ का मसला है। जिस दिन आपके यहाँ पे आ जाता है, माइंड में आ जाता है, तो अल्लाह मियाँ आपके लिए वो असबाब पैदा करते हैं, और वो कोई दुनिया का टारगेट ऐसा नहीं है। चाहे आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहें, चाहे आप बोर्ड टॉप करना चाहें, चाहे आपको अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहें, अगर आप फोकस्ड हैं और आप काम कर सकते हैं, मोटिवेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके टारगेट अचीव करने से नहीं रोक सकती।